तो पिछली क्लास में हमने आपके साथ बात की थी पैथन के बारे में, और पैथन के ऊपर हमने इतनी सारी कैलकुलेशंस आपको करके दिखाया था किस तरह से कैलकुलेशन हम करते हैं, बहुत सारे मैथमेटिकल और बाकी कैलकुलेशन हमने करके दिखाया था हमारे लास्ट वीडियोज में। अब ये वीडियो यूट्यूब पे नहीं गया है क्योंकि ये हमारा ऐप का वीडियो है और सारी वीडियोज यूट्यूब पे नहीं जाती, इसके लिए आपको मेरा ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा। अब क्वेश्चन आता है कि इसी ऐप के अंदर जो मेरा मोबाइल ऐप है, उस मोबाइल ऐप के अंदर मैंने सेल्फ टाइम थे कुछ क्वेश्चन, दो क्वेश्चन छोड़े थे आपके प्रैक्टिस के लिए। अब जाहिर सी बात है बहुत सालों ने इसकी प्रैक्टिस कर ली होगी, लेकिन कुछ लोग इसकी प्रैक्टिस नहीं किए होंगे। चलिए इसकी प्रैक्टिस हम आपको करवाते हैं और करके समझाते हैं। नमस्कार, मैं सुजीत कुमार, एडवांस एक्सेल ट्रेनिंग सेंटर आईपी टेक्स स्कूल से आपका स्वागत करता हूं हमारी इस वीडियो ट्यूटोरियल में, जहां आप सीखते हैं पैथन एंड एमआर रिपोर्ट ऑटोमेशंस। जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और इसकी कंप्लीट वीडियो सीरीज के लिए मेरा मोबाइल ऐप डाउनलोड करें जो कि मेरे इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन लिंक में आपको मिलेगा। तो पहला नंबर क्वेश्चन है कि मुझे अमाउंट कैलकुलेट करना है। मेरा प्रिंसिपल 20,000 है, रेट 5% है, टाइम हमारा 5 ईयर है, मुझे अमाउंट निकालना है। और अमाउंट के लिए मेरे पास जो मैथमेटिकल, क्योंकि हो सकता है पैथन की अलग कोई फॉर्मूला हो, लेकिन मैं यहाँ पे मैथमेटिकल फॉर्मूला यूज कर रहा हूँ कि पी मल्टीप्लाई बाई 1 + r/12 पावर ऑफ आर डिवाइड आर मल्टीप्लाई बाई 12। 12 क्या है, क्योंकि मंथली कैलकुलेशन इसलिए हम 12 कर रहे हैं। तो यहाँ हम डीएस पोर्ट को ओपन किए हैं और एक नया फाइल यहाँ पे जाके हमने बनाया हुआ है 4.1, क्योंकि चौथा हमारा लेक्चर है इसलिए। अब यहाँ पे हम लिखेंगे, क्योंकि पहले तो लेना पड़ेगा वेरिएबल, तो हमने पी इक्वल टू 2000 कर दिया। अब यहाँ आर इक्वल टू 5% नहीं कर सकते हैं, क्योंकि परसेंट करते ही क्या हो जाता है, परसेंट करते ही देखिए नीचे प्रॉब्लम आ गया, क्योंकि परसेंट का सिंबल एक्सेप्टेबल नहीं है, तो आपको यहाँ पे करना पड़ेगा 0.05। अब प्रॉब्लम ये भी है क्योंकि आर बाय डिफॉल्ट इंटीजर होता है, लेकिन मुझे फ्लोट लेना है तो मुझे यहाँ पे फ्लोट डिफाइन करना पड़ेगा, तब जाके वो बाय डिफॉल्ट वो डेसिमल में एक्सेप्ट करेगा। और टी इक्वल टू, अब यहीं पे हम टाइम जो है हमारा टी इक्वल टू मान लीजिए क्या है हमारा 12 है, 5 ईयर है, तो 5 × 12 कर देते हैं। अब यहाँ पे एक चीज और है कि मैं यहाँ आर इक्वल टू आर 1 + r/12 कर देते। ओके, अब इसके बाद मुझे एक चीज और करना है कैलकुलेशन के लिए, सी एल इक्वल टू हम यहाँ पे फ्लोट लेते हैं फ्लोट, और फ्लोट के अंदर में हमें देना है फॉर्मूला पावर का, क्योंकि मुझे दोनों का पावर निकलना है, 1 + r/n पावर ऑफ टी मल्टीप्लाई बाई एन। तो यहाँ पे हमने क्या किया हुआ है कि यहाँ पे टी 1 + r/n पे कैलकुलेशन है, तो हम यहाँ पे आर ले लेते हैं, और दूसरा पावर का क्या है टी है, 5 × 12, तो यहाँ पे टी ले लेते हैं, तो ए सी एल पे आ जाएगा। अब फाइनली मैं यहाँ पे अमाउंट लेता हूँ, अमाउंट इक्वल टू अभी भी फ्लोट के अंदर डाल रहा हूँ क्योंकि हो सकता है कि डेसिमल में आए, तो यहाँ कर देता हूँ सी एल पी सॉरी पी मल्टीप्लाई बाई सी एल, और फाइनल रिजल्ट हमारा अमाउंट पे स्टोर हो गया। अब यहाँ पे हम करेंगे प्रिंट, और प्रिंट में यहाँ करेंगे द टोटल अमाउंट इज इक्वल और कॉमा, हम अमाउंट वेरिएबल को कॉल कर लेते हैं। अब इसको रन करके देखते हैं, आई होप कि इसमें कोई दिक्कत ना हो। यहाँ पे हम राइट क्लिक करके रन किए, तो यहाँ पे देखिए द टोटल अमाउंट इज 2667, 2667 यहाँ हमारा बन के आया हुआ है। अब इसी पे मैं इनपुट वगैरह भी ले सकता था, ये जो दिख रहा है आपको इनपुट वगैरह भी ले सकता था, जैसे कि मैं यहाँ पे एक काम कर देता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ इनपुट, और इनपुट में हम यहाँ पे कर दिया कि एंटर एंटर प्रिंसिपल, बाकी फिक्स है हमारा। तो जैसे रन करेंगे, रन करते हैं हमसे पूछेगा एंटर प्रिंसिपल, तो यहाँ पे मान लीजिए हम यहाँ पे सॉरी यहाँ कर्सर ना होगा,
20,000 हमने दिया एंटरप्राइज किए और हाँ इसमें प्रॉब्लम है क्योंकि मुझे इसको पी को भी फ्लोट में करना पड़ेगा। रीजन ये है क्योंकि इनपुट टैक्स लेता है बाय डिफॉल्ट, तो फ्लोट के अंदर डालेंगे तब जा करेगा। ध्यान रखिएगा जब भी इनपुट नंबर लेते हैं उस नंबर का आगे कैलकुलेशन करना है तो यूज द फ्लोट या इंटीजर, इंट भी ले सकते हैं। 25 यहाँ पे कर्सर देते, 25,000 इंटरप्रेस किया, ये देखिए टोटल अमाउंट इज 32,083। तो ये ना इसने हमने यहाँ पे कैलकुलेशन कर ली। अब इसको हम क्लोज करते हैं सेव करके, सेव हमने क्लोज कर दिया। अब यहाँ पे एक और हम यहाँ पे बनाते हैं, यहाँ पे प्लस करते हैं 4-2.py। अब दूसरे क्वेश्चन पे हम बात करते हैं। दूसरा क्वेश्चन जो है आप देख सकते हैं यहाँ पे ये है कि हमें कॉस्ट निकालना है। तो यहाँ बोलता है कि जो मैन्युफैक्चरर है वो 50 रुपीज, जो मान लीजिए कॉस्ट है तो 50+50 का 5%, 50+50 का 5% निकाल के ऐड कर दिया। फिर उस जो ऐड हुआ है ए उसका 10% निकाल के ऐड कर दिया। अपने मैन्युफैक्चरर ने क्या किया, 5% कमीशन रखा और भेज दिया डिस्ट्रीब्यूटर को। डिस्ट्रीब्यूटर ने क्या किया, इसको 10% कमीशन रखा उसकी खरीद पे, ना कि मैं यहाँ कॉस्ट पे, और भेज दिया रिटेलर को। रिटेलर से इसको होलसेलर को, होलसेलर से 15% लेता है और रिटेलर को कर देता है। अब ये एक कैलकुलेशन आपको हमें करना है किसमें, पावर बीआई सॉरी पैथन में। तो यहां पे हम सिंपल सा लिखते हैं कॉस्ट इक्वल टू 50 रुपीज, राइट। अब यहां पे हम एमआरपी एक काम करते हैं, एम लिखते हैं, एम इक्वल टू फ्लोट। फ्लोट के अंदर में हमने बोला कि कॉस्ट प्लस कॉस्ट का 0.05%, और इसको ब्रैकेट में डाल देंगे तो बेटर रहेगा, 0%, 0.05%। उसके बाद फिर यहाँ पे सेम सेम चीज को हम यहीं पे इसी को हम कंसीडर करते हैं नीचे की तरफ। एम इक्वल टू अब कॉस्ट के जगह पे एम हो जाएगा, कॉस्ट यहाँ पे लिखा हुआ है उसके जगह पे हम क्या कर देंगे, एम कर देंगे। एम इक्वल टू एम का 10%, और 10 में हम यहाँ पे 10 करेंगे, और इसी को कॉपी करके हम नीचे की तरफ पेस्ट करते हैं। अब मुझे सिर्फ चेंज करना है, यहाँ पे 10 के जगह पे 15 कर दिया, और यहाँ 15 के जगह पे हमने 20 कर दिया, और बाद में हम करेंगे प्रिंट, और प्रिंट में यहाँ लिखेंगे द एम आर पी एज, और यहाँ पे कॉमा हम कर देते हैं एम। अब इसको एक बार रन करते हैं, रन कर दीजिए 79.69 आ गया। अभी कॉस्ट को आप यहाँ पे कॉस्ट जो है इसको आप इनपुट के अंदर भी डाल सकते हैं, इनपुट यहाँ पे एंटर कॉस्ट। तो जैसे रन करेंगे मुझसे कॉस्ट पहले मांगेगा, तो कॉस्ट हमने दे दिया मान लीजिए 60 सॉरी यहाँ पे इनसे एंट्री करना होता है 60, एंटर प्रेस किया तो हमारा हाँ सॉरी सेम प्रॉब्लम। हमने पिछले क्लास में बात की थी, हमने यहाँ पे फ्लॉट नहीं लगाया था, फ्लॉट लगाना जरूरी है क्योंकि वो टेक्स्ट होता है। अब इसको रन कर सकते हो, फर्स्ट फर्स्ट यहाँ पे हो गया हमारा 50, एंड पे प्रेस कीजिए रिजल्ट आ गया। ये हमारी चीजें थी। तो इस तरह के कंप्लीट वीडियोस के लिए मेरा ऐप को डाउनलोड कर ले, आप सीखना चाहते हैं तो मुझे कॉल करें। हम नेक्स्ट मंथ से वीवीए स्टार्ट करने वाले हैं, पायथन और वीवीए स्टार्ट करने वाले हैं। थैंक यू।